मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी वर्चुअल क्लास. स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर ऑफ हिस्ट्री टुडे, क्लास 7th, चैप्टर नंबर 10, न्यू पॉलिटिकल फॉर्मेशंस इन द 18th सेंचुरी. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू कवर द फॉलोइंग टॉपिक्स: डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स, इमर्जेंस ऑफ रीजनल पावर्स, इमर्जेंस ऑफ न्यू स्टेट्स एंड द केस स्टडी मराठास. स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बुक. Page number 94. The 18th century saw the gradual disintegration of Mughal Empire and the emergence of regional powers. 18th century में क्या हुआ? Mughal Empire disintegrate होनी start हो गई, मतलब downfall, ख़त्म होनी start हो गई. और new regional powers जो थी वो rise होने लगी. बहुत सारी regional powers came into emergence and became independent kingdoms. And by 1965, the British had successfully seized significant territory portions in East India. 1765 तक बहुत सारे ब्रिटिशर्स ने मिलकर बहुत सारी टेरिटरीज, ईस्ट इंडिया की जो बहुत सारी टेरिटरीज थी उनको कैप्चर कर लिया था. और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशंस इंडिया की ड्रामेटिकली चेंज हो गई, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली. पॉलिटिकली मीन्स बहुत सारे न्यू लीडर्स इमर्ज हो गए, एंड इकोनॉमिक मीन्स विच इज़ रिलेटेड टू फंड्स, मनी, द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, एवरीथिंग. सेवरल न्यू पॉलिटिकल ग्रुप्स परफॉर्म्ड इन सब कॉन्टिनेंट विद इन अ रिलेटिवली शॉर्ट स्पैन पीरियड ऑफ टाइम. द फर्स्ट टॉपिक इज डिक्लाइन ऑफ मुगल्स. मुगल्स में डाउनफॉल, उनकी जो ख़त्म हुई, मुगल्स का ख़त्म हुआ राज, वो कैसे हुआ? The disintegration of the Mughal Empire had set during the reign of Aurangzeb. Aurangzeb was there, he was heading the Mughals at that time. But by the end of the 17th century, Mughal Empire faced numerous crises. Bahut zyada crises, bahut sab kuch kharab ho gaya, worst ho gaya. Why? Because Aurangzeb ne jitni bhi treasury thi, wo wars aur fights ladne mein sab kuch spend kar diya tha, sab kuch khatam ho gaya tha. Aurangzeb had drained the royal treasury in his quest to gain control over the Deccan region. And when Aurangzeb died in 1707, there was a series of weak successor ascending the throne. Means Aurangzeb ki death ke baad jitne bhi kings aaye, wo zyada famous nahi the, wo zyada capable nahi the ki wo Mughals ko sambhal sakte. और जितने भी मुगल्स जो औरंगज़ेब की डेथ के बाद आए और जो किंग्स बने, उन लोगों को लेटर मुगल्स के नाम से जाना जाता है. दैट इंक्लूडेड औरंगज़ेब सन बहादुर शाह, जहांदर शाह, फारूक सियार, मोहम्मद शाह एंड आर दी अमंग अदर्स. रिपीटेड इन्वेजन्स बाय अहमद शाह अब्दाली एंड नादिर शाह फर्दर वीकेंड द मुगल एम्पायर. बार बार अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह ने वार करके, वॉर और फाइट्स लड़के मुगल एम्पायर को और वीक किया. ऑलरेडी देर वॉज नो मनी ऑल्सो. अहमद शाह अब्दाली इन्वेडेड इंडिया 9 times. उन्होंने इंडिया पे 9 times हमला करा. और नादिर शाह ने भी दिल्ली को 1738 टू 39 के बीच में प्लंडर किया, मीन्स उस पर फिर हमला किया एंड टुक द प्राइज्ड कोहिनूर डायमंड. और जो शाहजहाँ की पिकॉक थ्रोन में था ईरान में, उसको ईरान ले गए, कोहिनूर को चुरा लिया. This period of destabilization witnessed the governors of Awadh, Bengal and Rohilas declaring their independence from Mughal Empire. और इसी पीरियड के दौरान अवध ने, बंगाल ने और रोहिलास ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करा कि दैट वी आर नॉट अंडर द क्लचेस ऑफ द मुगल एम्पायर. मराठा ऑल्सो बिगेन कंसॉलिडेटिंग देयर एम्पायर ड्यूरिंग द सेम पीरियड. The next topic in the book of page number 95 is a reason for decline of the Mughal Empire. Let's read in the short form. This is the death of Aurangzeb in 1707. Aurangzeb religious policy, weak successive rulers, the absence of any definite law, moral degeneration and demoralization of army was there. These are the basic reasons for the decline of the Mughal Empire. Continuing from the book, the later Mughals being weak were unable to administration control over such empire. मैंने आपको बताया था later Mughals में औरंगज़ेब के बेटे ही थे. They were unable to look after the big Mughal empire. So they lacked the political skills to run the empire. They gave the opportunity, उन्हें खुद वो manage नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने अपनी power को share किया मनसबदार्स और nobles में, मतलब जो उनके administration में थे.
पर उनको चेक नहीं कर पाए कि हाउ दे आर वर्किंग। और धीरे धीरे जो उन्होंने एक सेटअप किया, जागीर्स बनाए, हेड बनाए, वो सब धीरे धीरे कोलैप्स करने लग गए। और मैं और जो जागीरदार से स्टार्टेड इंक्रीजिंग द रेवेन्यू विच इंक्रीज द बर्डन ऑफ द पीजेंट्स। उन लोगों ने जागीर्स ने क्या करना शुरू करा, एज देर वॉज नो मनी इन द मुगल्स, उन्होंने पीजेंट्स को जो लैंड ओनर्स थे उनसे बहुत ज़्यादा पैसे फेच करने की लेने की कोशिश करी, उन्होंने लैंड रेवेन्यू को बढ़ा दिया। बट अ लॉट ऑफ पीजेंट्स रिबेलियंस अकर ड्यू टू द माउंटेनिंग प्रेशर ऑफ टैक्सेस। जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, उनको बहुत गुस्सा आ गया और वो रिबेलियंस हो गए, मीन्स वो लड़ने के लिए तैयार हो गए। नोबिलिटी ऑल्सो बिकम वेरी पावरफुल आफ्टर द औरंगजेब डेथ एंड ग्रेजुअली द पावर शिफ्टेड फ्रॉम द मुगल रूलर्स टू द गवर्नर्स एंड लोकल चीफ्स। और धीरे धीरे मुगल्स जो थे वो बिल्कुल डाउनफॉल हो गया उनका, और लोगों ने उनकी पावर गवर्नर्स और लोकल चीफ्स को दे दी। ऑलराइट, द नेक्स्ट इज द rise of the regional powers. In this, the rigid policies of Aurangzeb ki bahut rigid and difficult policies thi, had turned the Rajput, Jat and Sikhs to revolt against the Mughal Empire. और जो ये कास्ट थी राजपूत, जाट्स और सिक्स, उनको मजबूर किया कि वो लड़ाई करें मुगल एम्पायर से, बिकॉज उनकी पॉलिसीज़ बहुत डिफ़िकल्ट थी, वो लोग ऑबे नहीं कर पा रहे थे उसको। लास्ट ईयर्स ऑफ औरंगजेब रूल वर मार्क्ड बाय अ नंबर ऑफ वॉर्स। Before Aurangzeb death, there were numerous of wars against us. His successors could not shield the Mughal Empire. जो उनके औरंगज़ेब के बाद जो rulers आए थे वो लोग मुग़ल Empire को बिल्कुल भी handle नहीं कर पा रहे थे, और जाट, सतनामीज एंड सिक्स और मराठास ने पूरी power को capture कर लिया and Mughal was out of the picture. The map which you are seeing in the picture, page number 96, the yellow marked area is the rise of the regional powers in mid-18th century, jisme Lahore, Delhi, Kaithal, Mathura, Ujjain, Sarnath and many more are there. Moving on to next page number 96, Jats. The Jat attained their power during the late 17th and early 18th centuries. दे वर मोस्टली फ्रॉम जाट्स जो थे, जो कास्ट था वो कहाँ से ज़्यादातर बिलोंग करता था, हरियाणा, पंजाब, वेस्ट रीजन ऑफ गंगा, यमुना, दुआब एंड ईस्टर्न राजपुताना। अंडर द लीडरशिप ऑफ चूरामान, द पिक्चर ऑन द स्क्रीन यू आर सीइंग इज ऑफ जाट चूरामान, ही एक्वायर्ड द कंट्रोल ओवर टेरिटरीज। द जाट रिबेलियन बिगेन अंडर द लीडरशिप ऑफ कोकुला, अ जाट जमींदार। रिबेलियन स्टार्टेड एज अ रिएक्शन औरंगजेब ऑर्डर्स टू कर्ब द हिंदूज। धीरे धीरे तब जाट्स ने ओवरकम करना शुरू करा मुगल एम्पायर को, तो उन्होंने स्टार्टिंग इससे करी कि उन्होंने उनके रूल्स को मानने से मना कर दिया, औरंगजेब के ऑर्डर्स को वो नहीं मानते थे। अब्दू नाबी वॉज किल्ड वाइल ट्राइंग टू सीज द विलेज ऑफ सहोरा। अब्दू नामी वॉज फ्रॉम औरंगजेब एंड ही वॉज ट्राइंग टू सीज द विलेज। दिस इंस्पायर्ड द जाट्स टू फाइट अगेंस्ट द माइटी मुगल एम्पायर, और तभी से रिवोल्ट स्टार्ट हुआ जाट्स और मुगल के बीच में। अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग द बैटल ऑफ तिलपट इज़ अ प्लेस, गोकुला एंड हिज टू एसोसिएट्स वर कैप्चर्ड एंड पुट टू डेथ। देवर फ्रॉम जाट्स एंड देवर पुट टू डेथ। लेटर ऑन जाट सेट अप एन इंडिपेंडेंट किंगडम ऑफ भरतपुर अंडर सूरजमल। जाट सूरजमल थे, उनके अंडर में नई किंगडम को जाट्स की सेटअप करा गया और वो मुगल एम्पायर से बाहर हो गए। Moving on to next, we're going to read about the Sikhs. Earlier, Sikhs enjoy a cordial relationship with Mughal Empire. पहले Sikhs में और Mughal Empire में बहुत अच्छी friendship थी. But after when Aurangzeb order about the execution of Guru Tegh Bahadur in 1675, Sikh turned against the Mughal. Sikhs को बहुत गुस्सा आ गया कि Aurangzeb ने उनको मारने का order क्यों दिया. Guru Gobind Singh took over the 10th Guru of the Sikh and started the Khalsa movement. The picture on the screen you are seeing is of Guru Gobind Singh, who started the Khalsa movement, जो कि Khalsa military units से starting हुई, जिन्होंने ये organize करा। Guru Gobind Singh fought several wars against the Rajput and Mughal rulers. उन्होंने बहुत सारी लड़ाई लड़ी मुगल रूलर से,
बट आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोविंद सिंह खालसा डिक्लेयर देयर ऑटोनॉमस रूल बाई इशूइंग कॉन्स इन रिगार्ड ऑफ गुरु नानक एंड गुरु गोविंद सिंह. जब इनकी लड़ाई में गुरु गोविंद सिंह शहीद हो गए, मर गए, तो खालसा ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करा कि हम अब किसी के भी अंडर में नहीं रहेंगे. और उन्होंने इनके नाम से कॉइन्स इशू करके मुगल्स को ये आंसर दिया कि नाउ वी आर गोइंग टू हैंडल आर किंगडम बाई आर सेल्व्स. आफ्टर गुरुदेव गुरु गोविंद सिंह बंदा बहादुर टुक ओवर एज अ लीडर ऑफ सिख. इनके बाद आए बंदा बहादुर. खालसा एस्टैब्लिश एडमिनिस्ट्रेशन बिटवीन सतलुज एंड जमुना. ही फॉट अगेंस्ट द मुगल्स फॉर 8 ईयर्स. इन्होंने 8 साल तक मुगल से लड़ाई करी. पर बंदा बहादुर की डेथ के बाद सिख्स ने अपना एक अलग ट्रूप जट्ठास अरेंज करे, मतलब अपनी ग्रुपिंग करी अलग. वन ऑफ द सिख चीफ नेम्ड महाराजा रंजीत सिंह कॉन्कर्ड द एरियाज ऑफ कश्मीर, पेशावर एंड मुल्तान एंड एस्टैब्लिश इंडिपेंडेंट सिख स्टेट विद इट्स कैपिटल इन लाहौर. पंजाब फ्लरिश्ड अंडर महाराजा रंजीत सिंह एंड ही वॉज करेजियस, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल रूलर. द नेक्स्ट इज राजपूत्स. आफ्टर औरंगजेब डेथ मैनी राजपूत स्टेट सच एज अम्बेर, जोधपुर डिक्लेयर्ड देमसेल्व टू बी इंडिपेंडेंट of the Mughal Empire. During the 18th century, the ruler of Jodhpur, Ajit Singh, claimed Subedari of Malwa, Gujarat respectively. These Rajput rulers further extended their territories by seizing neighboring regions. Dheere dheere Rajputs ne conquer karni shuru kar di jagahein aur territories ko apne under mein le liya aur Mughal Empire se independent declare kara. राजपूत्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पावरफुल थे वॉर्स में एंड उनको बहुत सारी टेक्निक्स आती थी. एंड सवाई जय सिंह एंड द रूलर ऑफ जोधपुर अजीत सिंह ने ही मिलकर, जोधपुर के अजीत सिंह और सवाई जय सिंह जो थे उन दोनों ने मिलके ही अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करा था. सवाई जय सिंह फाउंडेड द सिटी ऑफ जयपुर. जयपुर इन्होंने ही बनाया. ही मेड इट हिज न्यू कैपिटल एंड डेवलप्ड साइंटिफिक सेंटर ऑफ लर्निंग. सवाई जय सिंह वॉज इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोनॉमी, देयरफॉर बिल्ट 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस इन जयपुर, उज्जैन एंड मथुरा, दिल्ली एंड बनारस. वैन यू गो टू जयपुर समटाइम एंड यू कैन विजिट जंतर मंतर ओवर देयर, जो कि सवाई जय सिंह ने बनाया है. वहाँ पर सारी आपकी जो जितने भी आपके सनसाइंस होते हैं, एक्वेरियस है, टॉरस है, मार्स है, वो डेट वाइज अलग अलग उनके स्टैचूज बने हुए हैं. सन के थ्रू टाइम पता लगता है एंड एवरीथिंग इज़ देयर रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी एंड इट इज़ ब्यूटिफुली बिल्ट. ही वॉज ऑल्सो गिवन दी सूबेदारी राइट्स ऑफ आगरा इन 1722. लेटर मराठास कैंपेन इन टू राजस्थान एंड चेक फर्दर एक्सपेंशन ऑफ द राजपूत.